रसीद कंपाउंड में रईस अनीस बिल्डिंग थाने महानगर पालिका खाली कराने गई तो टेनेंट ने किया जमकर हंगामा। मैं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। रसीद कंपाउंड झंडे वाले बाबा के समीप एक 30 साल पुरानी इमारत, जिस इमारत का नाम रईस अनीस है, चार महले की इमारत है जिसमें 25 टेनेंट और 8 से 10 ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें हैं। सवाल ये है टेनेंट का, जो उस इमारत में रहते थे वो कहाँ जाएंगे, जो रह रहे हैं वो कहाँ जाएंगे। सवाल उनका भी है, जो दुकानदार हैं ग्राउंड फ्लोर पे, वो उनका क्या होगा, यानी वो भी कहाँ जाएंगे। कुछ दिनों पहले भी महानगर पालिका इस इमारत में रहने वाले टेनेंट को चाबियां बांटी थी दोस्ती में शिफ्ट होने के लिए, मगर टेनेंट का कहना है जो चाबी मिली थी हमको MMRDA में, यानी दोस्ती के पीछे बनी इमारत में, वो ताला ही नहीं खुला था। वहाँ गए थे, ताला नहीं खुला था, यानी अगर ताला होता तो चाबी काम करती। बहरहाल ये टेनेंट वापस लौट आए थे अपने आसियाने में और आज अचानक मुंद्रा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त सागर सालुंखे और धनंजय गोस्वामी अपने टीम के साथ पहुंचकर ग्राउंड फ्लोर की दुकान में कार्रवाई की और पहले महले पर भी जो है एक फ्लैट में कार्रवाई की। इस दौरान लोग इकट्ठा हो गए, टेनेंट ने हंगामा करना शुरू किया, फिर किसी तरह थाने महानगर पालिका वहां से चली गई। ये तस्वीर देखे महानगर पालिका के अधिकारी आते ही कैसे लोग जमा हुए। ये तस्वीर है इस बिल्डिंग की। दरअसल ये सब क्यों हो रहा है, टेनेंट को क्यों खाली कराया जा रहा है, क्योंकि सर्विस रोड बन रहा है, सर्विस रोड के लिए खाली कराया जा रहा है और इमारत में रह रहे लोगों की मांग है। कोई लिखित में कागजी पेपर नहीं मिले हैं शिफ्टिंग के और चाबी जो मिली उससे ताले नहीं खुले। सुनिए क्या लोगों ने कहा है इस दरमियान। लोगों को तोड़फोड़ करने क्योंकि जो लोग ना ये हम लोग ने खाली किया है। कोई भी मेंबर प्रेजेंट नहीं है। चाबी दी थी, हम लोग शिफ्टिंग कर ही रहे, चालू है शिफ्टिंग। एक कागज दिया हुआ है, वो सिर्फ ब्लैंक पेपर है, उसमें सिर्फ कुछ लिखा हुआ है कि हम लोग चाबी दे रहे हैं, बाकी कुछ अलॉटमेंट पेपर नहीं दिया हम लोग। सागर सालों के सर आए थे, गोसावी सर आए थे और टीम थी उनकी, हम लोग कोई भी प्रेजेंट नहीं। आज तो हम लोग मैं भी घर पे नहीं था, मेरे को फोन आया कि बोले ऊपर म्यूनसिपालिटी सब चढ़ी है तोड़ने के लिए, तो मैं यहाँ पे देख रहा था ऊपर नीचे का तोड़ के ऊपर फिर गए टेरिस के फ्लैट तोड़े, ऊपर का दरवाजा और बाहर तोड़ दिए और हम लोग बोल रहे हैं हमको शिफ्टिंग लेटर सिर्फ दिया जा रहा है, हम लोग को आने में लेटर तो दिया नहीं जा रहा, तो हम लोग कैसे जा रहे हैं यहाँ से, कल को हमको वहाँ से भी निकाल के फेंक देंगे तो हमारे हमारे लिए कौन खड़ा होगा। जैसे आज कोई हमारे लिए नहीं खड़ा हो रहा है तो कल को हमारे लिए कौन खड़ा होगा वहाँ पे। राजू अंसारी हम लोग को पहले बोला गया था कि बिल्डिंग सिर्फ कटिंग में जाएगी, सिर्फ कटेगी और वो कटते कटते आज ऐसा मसला आ गया है कि बोले कि पूरी बिल्डिंग गिराई जाएगी, लेकिन पूरी बिल्डिंग का कोई मसला ही नहीं आ रहा गिरने का, जबकि सिर्फ कटिंग का है, अपना सर्विस रोड के लिए बिल्डिंग कटिंग में जा रही थी। पहले तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब हम लोग गए तो पर्टिकुलर ये चाचा को इतनी बुरी तरह से झिड़का गया, दुकान वाले को कुछ नहीं मिलेगा करके तुम लोग जाओ करके यहाँ। अच्छा, बहुत बुरी तरह से झिड़का देगा, सिर्फ पहले घर वालों का देखेंगे उसके बाद में फिर दुकान वालों का देखेंगे। बोलो चाचा। हमसे तो ये कहा गया है कि दुकान वालों को दुकान मिलेगी नहीं, आज तक हमने किसी दुकान वाले को दुकान दिया ही नहीं है और आपको हम कहाँ से देंगे, आपको कोई मामला नहीं, आप यहाँ से भागो। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद सडनली उन लोग जागते हैं और बोलते हैं क्या प्रोसेस फॉलो करोगे। मनपावर का कहना है कि ये बिल्डिंग अनऑथोराइज है करके, इसका मतलब सडनली उन लोग की आँख खुलती है और बोलते हैं अनऑथोराइज है करके। हमारा बिल्डिंग का टैक्स क्लियर है, पानी का टैक्स क्लियर है, प्रॉपर्टी टैक्स क्लियर है, तो क्या हिसाब से अनऑथोराइज है। शिफ्टिंग के लिए रेडी है लेकिन हमारे को इन रिटर्न चाहिए, हमारे पास भी कुछ सेफर साइड के लिए हमारे पास भी कुछ प्रूफ होना चाहिए। कलकत्ता MMRDA जो भी कंसर्न अथॉरिटी है उन्होंने हाथ ऊपर करे तो फिर हमारा क्या है।